दिलदारे आलम, ए अल्लाह, ए दो जहान के मालिक, जिसको हम भगवान भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सरकारी बंगले में तोड़फोड़ करने और उन पर लगे सामान ले जाने के आरोपों पर पूरे प्रदेश में समाजवादी कार्यकर्ता कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में संभल में समाजवादियों ने रमजान के पवित्र महीने में अलग ही अंदाज में अपना विरोध जताया। प्रेम को, इस भाईचारे को खत्म करने में तुले हैं। इन्हें सीधी सीधी तौफीक अदा फरमा, यही हमारे उत्तर प्रदेश में मोहब्बत और भाईचारा और लाए। देखिए, सद्बुद्धि के लिए मैंने आज कई जगह हमारे साथियों ने मेरठ में यज्ञ किया है और यहाँ पे भी यज्ञ किया गया है। मैंने रमजान उल मुबारक के मौके पे इनके लिए दुआ की है कि इनका दिमागी संतुलन कहीं मुझे लगता है कि बिगड़ गया है, वो ऊपर वाला अल्लाह ताला भगवान ठीक कर दे। वो ये सबको एक निगाह से देखते रहे, हमारे ऊपर ही खाली निगाह गलत न डाले। ये पूरे प्रदेश को देखे, प्रदेश में इस वक्त कानून व्यवस्था से लेके और कैसी लूटमार मची है उसका जरूर देख ले। मैंने ये दुआ कहा। उन्होंने राज्यपाल के लिए सद्बुद्धि और उनके दिमागी संतुलन सही रहने की दुआएं की। जब ये अपना घर खाली करें तो हमें भी ये तौफीक अदा फरमा के हम भी राज्यपाल जी का घर देख कर आए कि क्या चीज उसमें से उखेड़ कर ले गए। दरअसल राज्यपाल नायक ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी थी कि बंगले में की गई तोड़फोड़ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा बरपा है। इन्हें जनता की, गरीब की फिक्र नहीं है। ग्लोबल टुडे के लिए संभल से दानिश की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।